everyone. So we are solving previous year questions of the chapter reproductive health and the topic infertility. In today's session, we are going to solve a long answer type question of five marks, which was asked in the CBSE board 2019. So the question is: a part, explain one application of each one of the following. First, amniocentesis. Second, lactational amenorrhea. And third, ZIFT. एंड बी पार्ट इज प्रिपेयर अ पोस्टर फॉर द स्कूल प्रोग्राम डिपेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें एमन्योसेंटेसिस लिट्टेल एमिनोरिया और जेड आई एफ टी की एप्लीकेशन समझानी है और बी पार्ट में हमें रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम पर एक पोस्टर बनाना है जिसमें हमें उसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं सो लेट्स चेक द आंसर तो ए पार्ट ए पार्ट में फर्स्ट पार्ट था एमन्यो सेंटेंसेस की एप्लीकेशन तो बेटा एमन्यू सेंटेंसेस एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम यूज कर सकते हैं डेवलपिंग फीटर्स का सेक्स और उसमें डेवलपिंग डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करने के लिए सो so, फर्स्ट पार्ट एम्यू सेंटेस इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन सेक्स एंड सम डिसऑर्डर इन द डेवलपिंग फीटस क्लियर देन सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रेशनल एमिनोरिया की एप्लीकेशन तो बेटा ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जब फीमेल में पार्चन हो जाता है यानी बेबी की डिलीवरी हो जाती है

फ्यूजन कराते हैं और जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है अर्ली एम्ब्रिय विद अपू एट ब्लास्टमर कु ट्रांसफर्ड इन टू द फिलोपियन ट्यूबोट इंट्रोफिलोपियन ट्रांसफर आफ्टर द इनविट्रो फर्टिलाइजेशन दस इट इज अ टेक्निक टू ओवरकम इन फर्टिलिटी क्लियर देन बी पार्ट में हमें एक पोस्टर बनाना था जिसमें हमें रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स बताने थे तो बेटा ये एक एग्जाम्पल है आप और भी अलग अलग तरह से पोस्टर्स बना सकते हैं पर ध्यान रखें कि उस पोस्टर में आप ऑब्जेक्टिव्स जरूर मेंशन करें सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू